आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भूपेश कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव लिए गए हैं जिन पर खास प्रस्तावों पर अब मोहर लग गई है। उनमें संजीवनी योजना में अब तक 20 लाख तक का इलाज होगा, राशन कार्ड के आधार पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा, 5 से 20 लाख का इलाज मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार से मिलेगा, अमीरों 50,000 का इलाज अमीरों को मिलेगा, एम्स को रिसर्च सेंटर के लिए निःशुल्क भूमि मिलेगी, खूबचंद बघेल के नाम से स्वास्थ्य योजनाएं शुरू होंगी। 6 स्वास्थ्य योजनाओं को एक किया गया है। कैबिनेट ने जंगल सफारी के टिकट रेट आधे किए हैं। वर्तमान में जो आज अंत्योदय के राशन कार्डधारी हैं, सभी को आधार नंबर के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य की सेवाएं 5 लाख तक की उपलब्ध कराने का बड़ा निर्णय लिया है और साथ ही साथ इस योजना का नामकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के स्मृति में लिया गया है। रायपुर नगर में जैन ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जाएगी, इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि मंडी की जो जमीन है उसके लिए प्लान किया जाएगा और कंसल्टेंट उसके लिए नियुक्त करके किस तरीके से वो पार्क होगा, लेकिन एक बड़ा निर्णय ये हुआ कि जैन ज्वेलरी पार्क की स्थापना रायपुर में नगर में किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश, भूपेश कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगा दी है, ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिनमें आज मोहर लगी है और जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा होने वाला है? बड़ा प्रस्ताव ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और सरल कर दिया गया है, उसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में अब हर व्यक्ति के पास ये मौका रहेगा कि वो 20 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है। हालांकि 5 लाख से ज्यादा के इलाज के लिए मुख्यमंत्री की अनुशंसा लगेगी। जो संजीवनी कोर्स पहले हुआ करती थी, जिस तरीके से उसको बढ़ा दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि जो स्वास्थ्य सेवाएं तमाम 6 तरह की योजनाएं चल रही थी उसको एकीकृत किया गया। तो आयुष्मान भारत है जो यहाँ पे मिक्स मॉडल पे चल रहा था, जिसमें बीमा कंपनियां भी शामिल थी और ट्रस्ट मॉडल पर भी चल रहा था, उसको पूरी तरह से शिफ्ट करके ट्रस्ट मॉडल पे हो गए हैं। तो 18वां राज्य भारत हो गया जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया, और बीमा कंपनियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है आयुष्मान योजना से। और सबसे बड़ी चुनौती सरकार की ये रहेगी कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्यादा से ज्यादा इस योजना के तहत जोड़े। दूसरी चीज जो जंगल सफारी है, वहाँ पे सभी रेट सादे कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे रायपुर आने वाले, इसी मकसद से इसको मंजूरी दी गई है। और एक और महत्वपूर्ण जो फैसला किया गया है वो ये किया गया है कि अब जो हाउसिंग बोर्ड्स के बचे हुए मकान हैं उनमें 20% तक की रियायत दी गई है, यानी कि उसमें भी लोगों को राहत मिलेगी। निकाय चुनाव प्रदेश में नजदीक है, क्या निकाय चुनावों को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले लिए गए? रूपेश, कोई चर्चा नहीं होती है राजनीतिक? शुक्रिया रूपेश जानकारी को साझा करने के लिए।